हेलो एवरीवन वेलकम टू द सेशन आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ग्रेड 7th की साइंस लेसन नंबर 7 वेदर क्लाइमेट एंड अडैप्टेशंस ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट कि जानवर जो हैं अपने आप को किस तरीके से एडजस्ट करते हैं पर्टिकुलर जगह के क्लाइमेट में आपने कई बार देखा होगा जो हमारा वेदर है जो रोज चेंज होता है वो हमेशा सेम नहीं रहता इवन दिन और रात में भी फर्क आता है कई बार बहुत ज्यादा गर्मी और सूखा हो जाता है कई बार गर्मी और चिपचिपापन होता है कई जगहों पे जो क्लाइमेट है वो ऐसा भी नहीं होता है, मतलब बहुत ज्यादा अलग किस्म का होता है पर मैं आपको ये बताना चाहती हूँ क्लाइमेट और वेदर में बहुत फर्क होता है एक जगह जहां पर सर्दी चल रही है जरूरी नहीं है दुनिया की सारी जगह पे सर्दी चल रही हो हो सकता है दूसरे पार्ट में गर्मी चल रही हो तो पहले हम ये समझते हैं कि ये वेदर क्या होता है और इस पे किन किन चीजों का असर होता है जो रोज हमारे एटमोस्फेयर में बदलाव आ रहे हैं हवा के अंदर जो बदलाव आ रहे हैं जो एक पर्टिकुलर जगह पे होती है थोड़े ही पीरियड के लिए बेशक वो बदलाव आ रहे हैं उसे हम वेदर कहते हैं तो रोज जो है ये वेदर जो है चेंज होता है कई बार गर्मी होती है कई बार बादल आ जाते हैं कई बार सूखी हवा चलने लग जाती है कई बार धूप आ जाती है हवा चलने लग जाती है विंड के तौर पे बारिश आ जाती है तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो किसी जगह का वेदर बताते हैं मतलब रोज चेंज हो सकता है आप देखोगे कई बार एकदम से जो सूरज है वो हटके वहां बारिश आ जाएगी जब दिन में क्लाउड कवर होता है यानी आसमान में बादल होते हैं तो आपको थोड़ा गर्मी कम लगती है ठंड का एहसास होता है लेकिन रात में जब आसमान में बादल आ जाते हैं तो आपको गर्मी का एहसास होता है आपको पता है ऐसा क्यों होता है मैं बताती हूं जो बादल हैं, वो एक रजाई ब्लैंकेट का काम करते हैं जो ऊपर से अर्थ को कवर करते हैं। दिन के टाइम पे क्या होता है कि जब वो रजाई का काम कर रहे होते हैं ब्लैंकेट का, का काम कर रहे होते हैं तो सूरज से जो किरणें आ रही होती हैं, वो उसको धरती के अंदर ज्यादा नहीं आने देते मतलब उसको रोकते हैं लेकिन रात के टाइम पे क्या होता है कि धरती जो दिन के टाइम पे सूरज की किरणें एब्जॉर्ब करता है सोखता है रात को वो वापस भेजता है उसको अरे ये ले वापस तो जब ऊपर क्लाउड कवर होता है बादल होते हैं तो ये बाहर नहीं जा पाती मतलब हीट जो है धरती के अंदर से बाहर नहीं निकल पाती तो इसीलिए वो अंदर ही रह जाती है तो हमें जब रात में बादल होते हैं तो गर्मी का एहसास होता है अब कौन कौन सी चीजें हैं फैक्टर्स हैं जो एक जगह के वेदर को अफेक्ट करती हैं उसमें पांच इंपॉर्टेंट चीजें आ जाती हैं सबसे पहले सन जो सूरज है वो पर्टिकुलरली एक प्राइम सोर्स है जिससे हम लोगों को रोशनी मिलती है एनर्जी मिलती है और जो किसी जगह के वेदर के बारे में बताता है कि वहां गर्मी होगी या वहां पर सर्दी होगी दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है विंड कहने का मतलब हवा तो हवा कितनी चल रही है मतलब हवा जब मोशन में होती है उसको हम विंड बोलते हैं तो अगर तो हवा चल रही है तो वहां आपको ठंडी का एहसास होगा लेकिन अगर हवा स्टिल है यानी कि रुकी हुई है तो आपको गर्मी लगेगी होता है पंखा चल रहा है तो हवा सर्कुलेट हो रही है अच्छा महसूस होता है लाइट गई तो सबके पसीने छूट जाते हैं तीसरा फैक्टर पानी वॉटर बारिश रेन या ह्यूमिडिटी चिपचिपापन ये एक वेदर को अफेक्ट करते तो एक जगह पे हवा में कितने वाटर वेपर्स हैं वो किसी जगह के वेदर को इन्फ्लुएंस करते हैं अगर एक जगह के जो ऊपर एटमॉस्फेयर है हवा है उसमें वाटर वेपर नहीं है तो सूखा सूखा एहसास होगा स्किन भी सूख रही होगी और वेदर जो है वो गर्म हो जाएगा लेकिन अगर वाटर वेपर्स है तो टेम्परेचर ठीक रहता है चौथा फैक्टर टेम्परेचर तापमान की बात करते हैं कई जगह पे तापमान बहुत ज्यादा हो जाता है बढ़ जाता है और कई जगह पे बहुत कम हो जाता है हॉट या कूल cool. तो मॉडरेट टेम्परेचर की रेंज होती है जो अच्छा मौसम होता है बीस से तीस डिग्री के बीच में पांचवा इंपॉर्टेंट फैक्टर है डिस्टेंस फ्रॉम सी या ओशन कोई जगह समुद्र के तट से कितनी दूर है तभी तो सब लोग गर्मियों में गोवा की तरफ को भागते हैं क्योंकि वहां पे जो एहसास होता है हवा का सी ब्रीज लैंड ब्रीज वो आपके शरीर को ठंडक पहुंचाता है और आपको अच्छा महसूस कराता है अब आपको एक एक्सरसाइज करनी है कि लेट से आपको बोला है किसी जगह की वेदर रिपोर्ट बनानी है तो वेदर रिपोर्ट के लिए आप इंफॉर्मेशन कहां, कहां से इकट्ठी कर सकते हैं और क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं सबसे पहली चीज टेम्परेचर नापने के लिए आप एक थर्मामीटर का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें मैक्सिमम दिन में जो मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर होता है और मिनिमम वो टेम्परेचर आ जाता है दूसरी चीज जो आप यूज कर सकते हो उसको हम बोलते हैं हाइग्रोमीटर ये बुक में नहीं दिया पर मैं आपको बता रही हूं वो चिपचिपापन ह्यूमिडिटी मापी जा सकती है हाइग्रोमीटर के द्वारा अब हाइग्रोमीटर क्या होता है एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें दो तरीके के थर्मामीटर होते हैं एक ड्राई सूखे वाला और एक होता है वेट थर्मा दुबारा। बल्ब थर्मामीटर दोबारा एक ड्राई बल्ब थर्मामीटर और एक वेट बल्ब थर्मामीटर होता है हाइग्रोमीटर के अंदर जिससे आप ह्यूमिडिटी चिपचिपापन माप सकते हो एक जगह तीसरी चीज़ बारिश कितनी हो रही है उस जगह में वो भी तो काउंट करता है तो उसके लिए हम यूज करते हैं रेन गॉज जो एक जगह में बताता है कि 24 घंटे में कितनी बारिश हुई तो ये एक सिलेंडर तरीके का होता है जिसके अंदर मेजरमेंट दी होती है कि इतना 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 20 30 30 सिलेंडर ऊपर से फनल का टॉप होता है पानी अंदर जाता है आप देख सकते हो रीडिंग के हिसाब से कि कितने मात्रा तक पानी वहां पर भरा गया है गॉज के अंदर और फिर आप बता सकते हो कि इतने सेंटीमीटर की बारिश हुई है बी पार्ट हम न्यूज़पेपर से इकट्ठी कर सकते हैं वेदर रिपोर्ट डेली आती है न्यूज़पेपर में क्योंकि वेदर डेली चेंज होता है या फिर आप डाटा कलेक्ट कर सकते हो वेदर ऑब्जर्वेटरी से कहने का मतलब वो जगह जहां पर वेदर मापा जाता है देखा जाता अब हमने वेदर के बारे में तो समझ लिया कि कौन कौन सी चीजें हैं जो वेदर को इन्फ्लुएंस करती हैं। अब हम समझेंगे क्लाइमेट के बारे में देखिए किसी भी जगह का जो वेदर होता है जब उसका हम एवरेज लेते हैं जो 30 से 35 साल के बीच में होता है उसे उस जगह का हम क्लाइमेट कहते हैं मतलब क्लाइमेट लॉन्ग रन में जो वेदर होता है लंबे समय तक जो वेदर रहता है उसका अनुमान लगा के हम बता देते हैं कि ये इस जगह का क्लाइमेट होगा अब दुनिया में जितनी जगहें हैं, सबका अलग अलग क्लाइमेट होता है तो मतलब क्लाइमेट को भी असर करने वाले बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं जैसे मैं आपको पहला फैक्टर बताती हूँ डिस्टेंस फ्रॉम सी मतलब समुद्र के तट से कितनी दूर है कोई जगह अब होता क्या है हम इसमें दो फैक्टर समझेंगे ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है एक होता है लैंड ब्रीज और एक होता है सी ब्रीज इसको समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये लैंड है और ये सी है पानी है तो जो पानी है उसे पांच गुना ज्यादा एनर्जी लगती है गर्म और ठंडा होने में जो जमीन है वो जल्दी गर्म और ठंडी हो जाती है तो पहले मैं आप लोगों को सी ब्रीज समझाती हूँ मान लीजिए दिन का टाइम है दिन के टाइम पे सी ब्रीज होती है तो ये लैंड है और ये सी है तो आप डायग्राम भी देख सकते हैं वहां पर क्या होगा जो लैंड है वो जल्दी गर्म हो जाएगा उसके ऊपर वाली जो हवा है वो भी जल्दी गर्म हो जाएगी अब जो हवा है वो गर्म होने की वजह से हल्की होगी और फिर वो ऊपर जानी शुरू हो जाएगी अब ये जगह खाली हो गई लैंड के आसपास ओशन की बात करते हैं ओशन के ऊपर जो हवा है वो अभी भी ठंडी है क्योंकि ओशन को ज्यादा टाइम लगता है ठंडा या गर्म होने में तो ये ओशन से जो ठंडी हवा है वो लैंड की तरफ को जाएगी क्योंकि लैंड की हवा तो ऊपर को चली गई फिर वो ऐसे करते करते पूरा सर्कल पूरा करती है तो जो हवा सी से आ रही है उसको हम सी ब्रीज बोलते हैं रात के टाइम पे उल्टा हो जाता है अभी समुद्र गर्म होता है तो यहां से हवा ऊपर की तरफ को जाती है और जो लैंड है वो ठंडा हो जाता है तो यहां से जो हवा है वो सी की तरफ को जाती है इसीलिए उसे हम लैंड ब्रीज बोलते हैं दूसरा फैक्टर जो क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करता है वो है एल्टीट्यूड मतलब कितनी हाइट पे है कोई जगह सी लेवल से तो जो तापमान है किसी जगह का वो डिपेंड करता है कि वो कौन सी लोकेशन पे है बहुत ज्यादा हाइट पे है या कम हाइट पे है ज्यादातर जगहें जो कम हाइट पे होती हैं वो ज्यादा गर्म होती है अच्छा तीसरा फैक्टर आ जाता है लैटीट्यूड लैटीट्यूड बोले तो डिस्टेंस कितना है इक्वेटर से अब हमें पता है अर्थ की जो शेप है वो बिल्कुल गोल नहीं है इक्वेटर के आसपास वो थोड़ी सी बल्ज है बाहर को निकल रही है और इक्वेटर पे तो पड़ती भी सीधी किरने और वो हिस्सा भी बाहर को निकला हुआ है साल भर सीधी किरने पड़ रही है तो जीरो डिग्री के ऊपर जो सीधी किरने पड़ रही हैं वहां ज्यादा गर्मी होगी लेकिन जैसे जैसे इक्वेटर से आप ऊपर जाना शुरू करेंगे पोल्स की तरफ 90 डिग्री तक पहुंच जाएंगे नॉर्थ या 90 डिग्री साउथ तक तो वहां पर गर्मी कम होगी तो मतलब वो इलाके ठंडे होंगे इक्वेटर पे गर्मी और ह्यूमिडिटी होगी ऊपर जाते जाते ठंड और बदलाव आएंगे चौथा फैक्टर है डायरेक्शन ऑफ माउंटेन्स मैप में आप देखिए अरावली जो राजस्थान में है जब बारिश कब आती है पहले मैं ये बताती हूं अगर ऐसे करके माउंटेन्स है और हवा ऐसे करके आ रही है समुद्र से वो पानी उठाती हुई आ रही है उसको कोई रोक रहा है माउंटेन्स उसको रोक रहे हैं तो वो इसके ऊपर लगेगी हाइट पे चढ़ने की कोशिश करेगी विंड और यहीं पे पानी गिर देगी बारिश आ गई हम लोगों की लेकिन अगर ये माउंटेन्स विंड के बिल्कुल पैरेलल है जैसे अरावली जो है वो बिल्कुल पैरल है साउथ वेस्ट मॉनसून के तो ये जो विंड है जिसके अंदर पानी है वो इसके ऊपर तो जाके बजा ही नहीं हिट ही नहीं हुआ तो इसीलिए वहां पे बारिश ही नहीं आती ये जो साउथ वेस्ट मॉनसून है ये आपने सिक्स ग्रेड में मेरे साथ पढ़ा था अरेबियन सी से आते हैं इसीलिए राजस्थान बेचारा बिना बारिश के ही रह जाता है लेकिन अगर हम नॉर्थ की बात करें तो हिमालयस जो है वो एक दीवार का, का काम करते हैं जब विंड्स आती हैं पानी लेके मानसून में खास तौर पे अरेबियन सी से या बे ऑफ बंगाल से तो ये वहां उनको रोक लेते हैं घेर है देते हैं तभी नॉर्थ ईस्ट में नदर्न स्टेट्स में बारिश आती है और राजस्थान में बारिश नहीं आती चलिए ये तो हमने वेदर और क्लाइमेट के बारे में समझा अब हम ये देखते है कि जो पेड़ पौधे छोटे छोटे जीव जंतु हैं वो एक जगह पे रहने के लिए अपने आप में क्या क्या बदलाव करते हैं अपने शरीर में क्या क्या बदलाव लेकर आते हैं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा गर्मी और ज्यादा से ज्यादा ठंड को बर्दाश्त कर सके अब आप हॉस्टल में जाते हो तो आप अपने आप को वहां जाके अडेप्ट कर देते हो सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हो एग्जाम्पल देती हूँ आपके घर कोई आए आपके सामने समोसे जलेबी पकौड़े पड़े हो आप अपने आप को ढाल लेते हो ना सिचुएशन में कि आज मुझे अच्छा के दिखाना है नहीं तो जाते ही इनके मम्मी पापा क्लास लगा देंगे आप एडजस्ट कर लेते हो तो वही चीज आज हम पढ़ेंगे कि जो जीव जंतु हॉट डेजर्ट में रहते हैं जो ड्राई है गर्म होती है वो वहां कैसे रहते हैं उनके क्या क्या फीचर्स होते हैं तो देखिए डेजर्ट का जो क्लाइमेट है वो हॉट होता है सैंड ड्यून्स होते हैं पूरी डेजर्ट के अंदर थार एक डेजर्ट है इंडियन थार डेजर्ट जो राजस्थान के हिस्से में और कुछ पार्ट गुजरात में है आप मैप में देख सकते हैं यहाँ पर आपको ऊंट कैमल दिखाई देते हैं बाकी जानवर भी होते हैं जैसे रैट्स हो गए स्नेक्स स्कूरल बस्टर्ड डियर लेजर्ड कैमल की बात करते हैं जिसे शिप ऑफ द डेजर्ट बोला जाता है इसने अपने आप को अडेप्ट कर लिया चेंज कर लिया अपने आप को कि मैं तो यही रहना है तो मैं अपनी बॉडी के अंदर चेंजेस लेकर आता हूं अब वो कैसे डेजर्ट में सरवाइव करता है पहली बात उसका जो रंग है कलर है वो बिल्कुल ब्राउन होता है जैसे सैंडून्स का होता है दूसरा उसके जो फीट हैं जो पैर हैं वो बिल्कुल फ्लैट और स्पॉन्जी होते हैं रेत में चल सके तीसरा उसका जो नोज है अगर आप ध्यान से देखें नोज के ऊपर फ्लैप होता है ऐसे करके जिससे नाक बंद हो जाता है और कोई भी कीड़ा मकोड़ा या मिट्टी नाक में बार बार नहीं जाती चौथा जब इसको पानी मिलता है तो खूब सारा पानी पी के ये बॉडी के अंदर एब्सॉर्ब कर लेता है वो कई लोग बोलते हैं ना ऊंट के ऊपर होता है पानी वहां नहीं होता वहां खाना फैट स्टोर्ड होता है तो ये बॉडी टिश्यूज के अंदर अलग अलग पार्ट्स में पानी स्टोर कर लेता है और काफी दिन तक बिना पानी के चल लेता है सरवाइव कर लेता है पांचवा इसका जो हम्प होता है ऊपर वाला मोटा उठा हुआ हिस्सा उसके अंदर ये खाना या फैट स्टोर करता है तो जब इसे खाना नहीं मिलता ये वहीं से एनर्जी लेता है छवा जो ये स्क्रीट करता है यूरिन पास करता है अपनी बॉडी से बाहर जो गंध निकालता है वो भी सूखा होता है ताकि कम से कम पानी इसकी बॉडी से बाहर निकले तो डंग जो होता है जैसे काऊ डंग होता है इसका भी जो गोबर होता है वो सूखा होता है और सातवां इसकी जो लेग्स है, लाते हैं वो लंबी लंबी होती हैं, ताकि वो गर्म रेत से ऊपर रख सके अपनी बॉडी को तो देखिए कुदरत का करिश्मा वैसे ही कोल्ड डेजर्ट में जो जानवर रहते हैं कोल्ड डेजर्ट मतलब सूखा इलाका जहां टेम्परेचर बहुत कम होता है आप कह सकते हैं माइनस ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस होता है वहां पत्थर मिलते हैं घास बहुत कम मिलता है वहां पे इंडिया में भी कोल्ड डेजर्ट है जैसे लद्दाख में है जो नॉर्थ में है लद्दाख से लेके लाहौल स्पीति तक जो हिमाचल प्रदेश में एरिया है यहां पर कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं याक शीप डॉग गोट कोल्ड डेजर्ट के अंदर भी हम लोगों को कैमल्स मिलते हैं जो मेन एनिमल्स होते हैं तो ये कोल्ड डेजर्ट में कैसे सर्वाइव करते हैं याक की बात करते हैं आप इमेज में देख सकते हैं इसकी बॉडी के ऊपर लंबे लंबे बाल होते हैं फर होते हैं जैसे कुत्ते के होता है तो ये जो कलर है फर का वो काला होता है क्योंकि वो क्या करता है ज्यादा से ज्यादा हीट अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है तभी बोला जाता है ना गर्मियों में काले कपड़े मत डालो बहुत ज्यादा गर्मी लगेगी तो इसकी जो फर होती है वो काले रंग की होती है जो इसके बॉडी को गर्म रखती है तीसरा इसके जो फीट हैं जो पैर हैं उसके जो टोज है तीखे तीखे होते हैं ताकि जो रास्ता है पहाड़ी उसके ऊपर ही ऐसे आराम से चल सके अपने आप को पकड़ के चौथा इसकी स्किन के नीचे ना एक फैट की लेयर होती है जिसकी वजह से इसकी जो बॉडी है वो गर्म रहती है तभी ये ठंडी सी ठंडी सिचुएशन में भी सरवाइव कर जाता है तो स्किन के नीचे फैट की एक लेयर होती है जो इसको हेल्प करती है सरवाइव करने में वैसे ही आप लोगों को एक और एरिया बताती हूँ पोलर रीजन जो पोल्स पे होता है वहां तो बहुत ही ठंड होती है लैटिट्यूड की बात की जाए तो 85 डिग्री नॉर्थ से लेके 90 डिग्री नॉर्थ और नीचे भी 85 डिग्री साउथ से लेके 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड तक का एरिया जो है वो पोलर रीजन होता है यहाँ इतनी ठंड होती है कि जो एरिया आर्कटिक ओशन का है नॉर्थ पोल के पास और एंटार्कटिक ओशन है साउथ पोल के पास वो बर्फ से जमा रहता है साल भर सूरज की किरणें कम पड़ती है स्लांटिंग होती हैं यहां पर कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं रेनडियर पोलर बियर पेनग्विंस ये यहां पाए जाते हैं अब ये पोलर बियर्स अपने आप को कैसे अडेप्ट करते हैं? इनकी जो फर होती है वो व्हाइट कलर की होती है ताकि अपने आप को कैमोफ्लाज करना छुपा सके स्नो के अंदर सेम जैसे आप देख रहे होंगे कैमल की ब्राउन कलर की होती है इनकी व्हाइट कलर की होती है दूसरा फर जो है जो उनकी चमड़ी का काम करती है उनको ठंड से बचाती है तीसरा इनके बॉडी में स्किन के नीचे एक फैट की लेयर होती है जो इनको गर्म रखती है जैसे हमने अभी पढ़ा था कि जैसे याक के अंदर देखने को मिलता है फैट की लेयर चौथा इनके जो फीट हैं पैर हैं वो ऐसे बने होते हैं कि ये जैसे पेंगुइन का आपने देखा होगा आ, स्नो पे चल सके अब हम बात करते हैं एक्वेटिक क्लाइमेट के बारे में मतलब जो समुद्र में पानी में रहते हैं काफी जीव जंतु हैं जो समुद्र के अंदर रहते हैं पानी में रहते हैं जैसे वेल जो चल नहीं सकते आपको बता देती हूँ फिश हो गए क्रैब हो गए इनवर्टिब्रेट्स हो गए ये सब अपने आप को अडेप्ट करते हैं एक बार इमेज देखना स्ट्रीम लाइन शेप बॉडी होती है आपको दिखाई देगा जैसे फिश की हो गई बर्ड्स की हो गई जिस से उनकी बॉडी आसानी से स्विम या ऊपर आसमान में बर्ड्स जो हैं वो फ्लाई कर सकती हैं। तो इमेज एक बार देख लेना उसे हम कहते हैं स्ट्रीमलाइन शेप कहने का मतलब फ्रिक्शन नहीं होता आराम से वो निकल जाती हैं अपने रास्ते। दूसरा उनके पास गिल्स होते हैं खास तरीके का ऑर्गन होता है जिससे वो पानी में से ऑक्सीजन निकाल लेती है तीसरा उनकी बॉडी के ऊपर फिंस होते हैं जो उनको तैरने में हेल्प करते हैं देख सकते हैं आप फिंस चौथा उनकी बॉडी के ऊपर ना स्केल्स होते हैं आपने देखा होगा हम ड्राइंग में भी बनाते हैं जो उनकी बॉडी को ज्यादा गीला नहीं रखते मॉइस्ट रखते हैं मतलब कम गीला पता लग गया मतलब ये स्ट्रीमलाइन बॉडी गिल्स फिंस और साथ के साथ स्केल्स अब बात करते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की जहां पर अलग अलग किस्म के हम लोगों को जानवर मिलते हैं। तो ये जो है, ये जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, आपको 23 डिग्री नॉर्थ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास मिलेगा और 23 डिग्री साउथ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के आसपास मिलेगा वो जो एरिया है उसे हम ट्रॉपिकल एरिया बोलते हैं ये एरिया हॉट होत होता है गर्म होता है सूरज की किरणें पड़ती हैं और वेट भी होता है बारिश भी होती है तापमान लगभग पंद्रह डिग्री तक रहता है अगर हम बात करें सर्दियों की गर्मियों में ये चालीस डिग्री तक पहुंच जाता है बारिश होती है साल भर होती है अब यहां पर खास बात यह है कि पेड़ों के ऊपर वाले हिस्से को कैनेपी बोला जाता है मतलब खिलरा हुआ हिस्सा होता है जो जानवर यहाँ पे रह रहे होते हैं रेन फॉरेस्ट के अंदर एलिफेंट्स हाथी टाइगर लेपर्ड्स स्नेक्स बर्ड्स इंसेक्ट्स ये सब रहते हैं अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं जैसे तीन एग्जाम्पल देती हूँ पहला क्रीपिंग हैबिट्स जो क्रीप करते हैं ऐसे ऐसे करके बिना लातों के चलते हैं स्नेक्स लिजर्ड, मॉनिटर लिजर्ड भी होती है ये ऐसे करके रेंगते हुए चलते हैं दूसरा स्टर्डी बॉडी वाले अच्छी बॉडी वाले जिनकी मोटी चमड़ी होती है जैसे एलिफेंट्स गोरिला टाइगर लेपर्ड तीसरी वैरायटी होती है स्पेशल सेंसेस वाले एकदम से जो निकल जाते हैं जैसे आप ये कह सकते हो जिनकी आंखें बहुत तेज होती हैं, सेंस ऑर्गन सुनने का बहुत तेज होता है उनके कान और स्किन भी उनकी अलग अलग रंग ले सकती है ताकि वो जैसे गिरगिट होती है अपने वहाँ आप को वहां पे छुपा सके अब देखिए प्रॉब्लम ये आ रही है कि हमने इतना सब कुछ पढ़ तो लिया लेकिन क्या आपको पता है क्लाइमेट चेंज हो रहा है खास तौर पे इन सालों में जो बदलाव देखने को आए हैं वो इंसानों के लिए अच्छे नहीं है जो स्नोफॉल है कई जगह पे उसका पैटर्न चेंज हो रहा है और उसके जिम्मेदार हम लोग हैं क्या-क्या कारण हैं इनके आपको बहुत अच्छे से पता है जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है तो एक्सेसिव कंजम्पशन हो रही है चीजों की खासतौर पेट्रोलियम हमारा लिविंग स्टैंडर्ड इतना हो गया कि हर चीज चाहिए दूसरा डीफॉरेस्टेशन घर बिल्डिंग इंडस्ट्रीज सड़कें बनाने के लिए पेड़ों को काटा जा रहा है तीसरा माइनिंग खोद खोद के जमीन के नीचे से चीजें निकाली जा रही है जिसकी वजह से फ्लड आ रहे हैं नदियां अपना रूप चेंज कर रही हैं, कि खोद के रख दिया जो चीज थी निकाल ली और फिर उसको ऐसे ही छोड़ दिया तो माइनिंग भी चेक करनी पड़ेगी और चौथा ग्लोबल वार्मिंग ये जो डिफॉरेस्टेशन हो रही है ना पेड़ काटे जा रहे हैं फॉसिल फ्यूज का इस्तेमाल किया जा रहा है हवा में गंध भरा जा रहा है उसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड हवा में ज्यादा हो रही है अब ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है ग्रीन हाउस गैस है ये जो सन से रोशनी आती है हीट आती है खास तौर पे, उसको इंफ्रा रेडिएशन को पकड़ लेती है तापमान बढ़ा देती है धरती का तो वो जो तापमान है बढ़ता जा रहा है उसको हम ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं और उसकी वजह से जो ग्लेशियर्स है मेल्ट हो रहे हैं कुछ हिस्से दुनिया के ग्लेशियर्स मेल्ट होने की वजह से जो पानी का लेवल बढ़ रहा है वो उसी में समा रहे खत्म हो रहे हैं छोटे छोटे आइलैंड्स। तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग भी चेक करनी चाहिए अब क्या इफेक्ट्स है क्लाइमेट चेंज के फटाफट एक बार रिवाइज कर लेते हैं नंबर वन ग्लोबल वार्मिंग बर्फ मेल्ट हो रही है स्नो कैप स्नो से भरे हुए जो माउंटेन्स हैं वो उनका नंबर कम होता जा रहा है मतलब स्नो हटती जा रही है उनके ऊपर से दूसरा ग्लेशियर्स मेल्ट तो चलो हो रहे वो अलग बात है साथ ही साथ जो वहां जीव जंतु रहते थे उनकी लाइफ भी खत्म और तीसरा जब आइस और स्नो मेल्ट होती है तो समुद्र ओशन का लेवल पानी का लेवल भी तो बढ़ता है तो जो कोस्ट पे या तट पे जो सिटीज हैं जो लोग हैं या जो लोग आइलैंड्स पे रहते हैं वो तो उसी में समा जाएंगे है ना सबमर्ज कर जाएंगे तो इसीलिए ये चीजें ध्यान रखनी चाहिए तो ये थी आज की क्लास अब जाने से पहले मैं आप लोगों को दो क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ पहला ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है और दूसरा कोई तीन कारण बताइए जो क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं तो ये थी आज की क्लास अगर आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज मेक श्योर यू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अब हम अगली क्लास में मिलेंगे टिल देन टेक केयर बाय बाय